दोस्तों Realme जल्दी ही लॉन्च करने वाला है इंडिया में अपने Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन को। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली टीज करना भी शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट, इंडियन प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन। बैक साइड में आपको टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको तीन कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, दो LED फ्लैश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड नाओटो फुकासावा का यहाँ पे आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा। बात करें फ्रंट साइड की तो यहाँ पे आपको लेफ्ट पंचोल के साथ में फ्लैट डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। मेरे को डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगा, आप लोगों को डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड स्मार्टफोन 8.18 mm थिक होगा एंड 189 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा। तो थिकनेस भी काफी कम होने वाली है इस स्मार्टफोन की एंड काफी हल्का स्मार्टफोन होने वाला है। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की तो दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ल्ड फर्स्ट बायो बेस्ड पॉलीमर मटेरियल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा एक कदम है रियलमी की तरफ से इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए। एंड यहाँ पे आपको मेटल का फ्रेम इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे आपको टॉप क्लास देखने को मिलेगी। एक नई तरह की यहाँ पे आपको बैक देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की क्वाड HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि LTPO 2.0 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। एंड यहाँ पर आपको 1:120 Hz का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 1000 Hz का यहाँ पर आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा, 1400 nits की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, 10,240 ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 525 PPI की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 10 bit यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, HDR10+ सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, डिस्प्ले मेट A+ सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, एक फ्लैगशिप लेवल की यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेंगी। चाहे आप कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए यूज करें, चाहे आप गेमिंग के लिए यूज करें, चाहे आप किसी तरह भी इसे यूज करें, यहाँ पे आपको काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। डिस्प्ले के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें कैमरास की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 megapixel का होगा मेन कैमरा, जो कि होगा सोनी का IMX766 सेंसर एंड यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, EIS का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको 50 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, जो कि होगा सैमसंग का JN1 सेंसर एंड यहाँ पे आपको 150 degree का फील्ड व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी काफी तगड़ा मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको 3 megapixel का माइक्रोस्कोपिक कैमरा देखने को मिलेगा विद 40x मैग्निफिकेशन, जैसे कि ओप्पो फाइंड X3 प्रो स्मार्टफोन में था। एंड यहाँ पे आपको डुअल LED डुअल टोन फ्लैश देखने को मिलेगी। तो कैमरास तो रियर साइड से यहाँ पे आपको काफी तगड़े देखने को मिलेंगे। बात करें सेल्फीज की तो यहाँ पे आपको 32 megapixel का लेफ्ट पंचोल वाला सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो कि होगा सोनी का IMX615 सेंसर। तो सेल्फी कैमरा भी काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी अच्छे कैमरास इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8th Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 4nm आर्किटेक्चर पर बना है एंड यहाँ पे आपको Adreno का GPU देखने को मिलता है। तो गेमिंग एंड ग्राफिक्स के मामले में दिक्कत नहीं आएगी, पावर एफिशिएंट होगा प्रोसेसर एंड यहाँ पे आपको डे टू डे यूज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको काफी तगड़ी मिलने वाली है इस स्मार्टफोन में। 8GB/12GB यहाँ पे आपको LPDDR5 RAM देखने को मिलेगी एंड 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं आएगी। अप टू 512GB स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड अप टू 12GB यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलेगी। बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी साइज तो काफी अच्छा होने वाला है एंड यहाँ पे आपको 65W की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट होने वाली है। लीक्स निकल कर आ रहे थे कि यहाँ पे आपको 125W की चार्जिंग देखने को मिलेगी, लेकिन वो लीक्स गलत थे, यहाँ पे आपको 65W की चार्जिंग देखने को मिलती है। तो बैटरी साइज भी अच्छा, चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट है। तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें मल्टीमीडिया की तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस का साउंड होगा, हाईरेस ऑडियो एंड हाईरेस ऑडियो वायरलेस सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा होने वाला है। मल्टीमीडिया के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों यहाँ पे आपको Realme UI 3.0 देखने को मिलेगा, जो कि Android 12 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस स्मार्टफोन में Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, Wi-Fi 6 होगा,
ब्लूटूथ 5.2 होगा, जीपीएस का सपोर्ट होगा एंड दोस्तों एनएफसी का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के मामले में सारे ऑप्शंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। 3.5mm हेडफोन जैक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा लार्ज एक्स एक्सिस लीनियर मोटर देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे आपको ओवरसाइज वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा एंड डायमंड आइस कोर कूलिंग प्लस सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हीटिंग वगैरह का इशू इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा एंड हैप्टिक फीडबैक यहाँ पे आपको काफी अच्छा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन चार कलर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, पेपर व्हाइट, पेपर ग्रीन, स्टील ब्लैक एंड टाइटेनियम ब्लू कलर में एंड ये चारों कलर वेरिएंट्स आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस की, तो दोस्तों इंडिया में स्मार्टफोन आपको 50,000 से 60,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिलेगा एंड दोस्तों लीक्ड प्राइस है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि सेम प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा। एंड दोस्तों अगर स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट की, तो दोस्तों रियलमी ने इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली टीज करना भी शुरू कर दिया, इसका मतलब स्मार्टफोन काफी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लीक्स की माने तो स्मार्टफोन आपको मार्च के महीने में इंडिया में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।